चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है, उस पर भी राय लेना जरूरी है, वो है गोल्ड ऑप्शंस को लेकर। गोल्ड ऑप्शंस ही नहीं, एमसीएक्स के कई सारे ऐसे कमोडिटी है जहां पर लगातार रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है। पहले क्रूड के ऑप्शंस में दिख रहे थे, फिर एनजी के ऑप्शंस में, और गोल्ड के भी ऑप्शंस में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शिवांशु मेहता हैं, बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के। शुक्रिया शिवांशु जी। सर कैसे हो रहा है ये लगातार आप लोग नया रिकॉर्ड टर्नओवर का बनाते जा रहे हैं? धन्यवाद विश्व मोहन जी। नहीं, ये बात एक काफी इनकरेजिंग है कि एक ऑप्शंस जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह के बाजार में जब वॉलिटिलिटी बढ़ी होती है तो रिस्क मैनेजमेंट का एक अहम इंस्ट्रूमेंट इसे गिना जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी और हेजर्स के लिए भी, ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स, सभी के लिए। तो उसी तरह चौतरफा इसके अंदर एक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसके तहत आपको दिन ब दिन इसके अंदर रिकॉर्ड्स, जैसे कि अप्रैल, जैसे कि अभी 23 मई को 45,000 करोड़ का आंकड़ा गोल्ड 1 kg ऑप्शन में देखा गया। इवन अदरवाइज विश्व मोहन जी, इस साल यानी के 2 महीने जो अभी गए हैं, इसमें भी 21,700 करोड़ का बुलियन के अंदर ऑप्शंस का डेली टर्नओवर देखा जा रहा है, जो कि पिछले साल के 9,000 के मुकाबले में है। तो मैं समझता हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और माहौल जिस तरह का है उसके लिए इसका आइडियल होना, ये दोनों चीजें इकट्ठे प्ले आउट हो रही हैं। और जो फिजिकल इंडस्ट्री को रिस्क सामना करना पड़ता है, ज्वेलर्स को खासतौर पे, वो इससे मिटिगेट होता है डाउनसाइड का, और अपसाइड में वो लोग पार्टिसिपेटिव रह पाते हैं। ये कुछ खासियत है विश्व मोहन जी। शिवांशु जी, अब मेरा सवाल होगा एफपीआईज को लेकर। जिस तरह की एफपीआईज के भी टर्नओवर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या एफपीआई अब ड्राइव कर रहे हैं इन ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि एनजी वगैरह में तो जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे तो ड्राइव कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, एफपीआई की भागीदारी एमसीएक्स पे बढ़ रही है? हालांकि आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप बुलियन को कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, फिलहाल जैसा कि आपको पता है, एनर्जी सेगमेंट में एफपीआई अलाउड है, कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स में। तो उनके अंदर जो आप बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ रहा है, वो भी एक इंकरेजिंग ट्रेंड है। मगर ये तो इंडस्ट्री की एक डिमांड जरूर है कि इसे सूनर देन लेटर गोल्ड और सिल्वर जो डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम आए दिन सुनते रहते हैं इंडस्ट्री से कब उसमें परमिट किया जाएगा, ये एक अलग बात है। और हमारे गोल्ड के अंदर तो आपको पता है इम्पोर्ट होता है गोल्ड कंट्री के अंदर, और आसपास के रीजन के साथ काफी तगड़ा फिजिकल तालमेल बना हुआ रहता है गोल्ड में, तो वो भी देखा जा सकेगा अगर ऐसा कभी हुआ तो। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा जो पार्टिसिपेशन की, अगर गोल्ड ऑप्शंस में ही बात करें तो क्या फ्यूचर्स के पार्टिसिपेशन में भी इसी तरह के ग्रोथ ग्रोथ हो रही है, या लोग सिर्फ ऑप्शंस को अब ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और इक्विटी की तर्ज पर यहां पर भी जो स्पेकुलेटर्स है वो ज्यादा आ रहे हैं? ट्रेंड क्या बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है और ये मेरा सौभाग्य है इसका जवाब देना कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर फ्यूचर्स ऑप्शंस की तरह ही टर्नओवर बढ़ रहा है। ये नहीं है कि ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर्स। इन द केस ऑफ बुलियन वी आर सीइंग कि जो फ्यूचर्स है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है, तकरीबन 17,000 करोड़ का इस अभी कमिंग इस करंट फाइनेंशियल ईयर का ईयर टू डेट आंकड़ा है, जो कि पिछले साल पूरे साल का 12,000 के करीब था। आई थिंक यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्यों ऐसा ऐसा दोनों चीजें का बढ़ने का मतलब ये है कि जो फिजिकल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है एमसीएक्स के प्राइसेस का, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटी भी हेज होती है, करेंसी भी हेज होती है, और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस भी हेज होते हैं, सिल्वर भी। तो इन तीनों चीजों के चलते जो इम्पोर्ट होता है उसकी ऑफसेट हेजिंग फ्यूचर्स में की जाती है, और ये आज का नहीं, ये शुरुआत से ऐसा होता आया है कि जो बुलियन ट्रेडर्स हैं वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपना सौदा एमसीएक्स में उतार के अपने आप को ऑफसेट हेज कर लेते हैं। ऑप्शंस के आने से ये तालमेल और बढ़ा है इनफैक्ट, बिकॉज ऑप्शंस के जरिए अपनी इन्वेंट्री को ज्वेलर हेज कर पाता है और ऊपर के साइड में वो पार्टिसिपेटिव रह पाता है। और जबकि ऑप्शंस जो हैं वो फ्यूचर पे ही डिवॉल्व होती हैं, तो जो प्राइसिंग का और हेजिंग का जो तालमेल इन दोनों में है, और फिजिकल स्पॉट मार्केट की प्राइसिंग का एमसीएक्स के साथ 99-100% कोरिलेशन जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ भी और डोमेस्टिक के साथ भी, तो ये सब चीजों के तहत तो और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कारगर साबित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। शुक्रिया शिवांशु जी, और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इसी तरह के
टर्नओवर आगे भी देखते रहे और कमोडिटी का दायरा बढ़े और ऑप्शंस का भी मार्केट का दायरा बढ़े, ताकि अन्य प्रोडक्ट्स भी कमोडिटी ऑप्शंस में, कमोडिटी ऑप्शंस के मार्केट में आ पाए। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोनों।